हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। देखने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट क्या होता है कि ये रटने वाला टॉपिक है। समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है, रटने का सौदा इसमें ज़्यादा है। तो इसमें अपने क्या करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उन्हीं को लेके चलेंगे और उन्हीं को लर्न करते हुए साथ साथ चलेंगे। आज से जो आपका हिस्ट्री का जो टॉपिक है, डाउट है, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री का जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर होगा इस वीडियो से। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि इतिहास यानी कि एग्रीकल्चर है वो किस प्रकार से शुरू हुई थी। क्या पुराने ज़माने में इसी प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता था? यदि नहीं तो किस प्रकार के यंत्रों का, औजारों का उपयोग किया जाता था? किस प्रकार से लोग गेहूं की, जौ की, सरसों की, चने की, यानी कि अलग अलग फसलों की खेती करने लगे? और कब से ट्रैक्टर का विकास हुआ, कब से ट्रैक्टर आया, कब से बैलगाड़ी आई, कब से अपने बैल से खेत जोतते थे, भैंस का दूध पीना कब स्टार्ट किया, और जो सबसे पहला अपना पालतू पशु है वो कौन था, और अपने मनुष्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी नया स्टूडेंट है वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। जो भी आपका कुछ डाउट है या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, और यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें सजेशन भी दीजिएगा। और यदि कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें है हम पढ़ते हैं जो भारतीय कृषि का इतिहास है वो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद में आधुनिक जो पढ़ेंगे। अभी अपने प्राचीन में सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने कृषि का इतिहास पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने मनुष्य का इतिहास पढ़ते हैं। जो पहला मनुष्य था उसका जो वैज्ञानिक नाम था या जूलॉजिकल नेम बोलें तो वो क्या था, होमो इरेक्टस था। लिखते हैं, देखिए अपने जो भी जानवरों से संबंधित चीज़ें होगी वो इस साइड लिखेंगे थोड़ा सा, और जो फसलों से संबंधित चीज़ें होंगी उसको इस साइड लिखेंगे। इससे क्या है, थोड़ा सा डेकोरम बनता है और उससे लर्न करने में अपने को थोड़ी सी सहायता मिलती है। देखिए, सबसे पहले अपने लिखते हैं, सबसे पहला आता है पहला मानव, इसका वैज्ञानिक नाम होता है होमो इरेक्टस। ठीक है, देखिए होमो जो इरेक्टस है उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कहां उत्पन्न हुआ था, इंडोनेशिया और अफ्रीका में उद्गम हुआ था। कहां, इंडोनेशिया व अफ्रीका में। ठीक है, और इसी के साथ क्या हुआ, इंडोनेशिया अफ्रीका में उत्पन्न हुआ, और कब हुआ, 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व। कब हुआ लिखते हैं अपने, 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में देखते हैं आधुनिक जो मानव है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी। मानव है, यही लिखते हैं आधुनिक मानव, इसका नाम क्या होता है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस इसका नाम होता है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो यूरोप में हुई थी। कहाँ हुई थी, यूरोप में। कितने वर्ष पहले हुई थी, 32,000 वर्ष पहले हुई थी, 32,000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में देखिए, सबसे पहला जो पालतू पशु था वो था कुत्ता। उसके बाद में धीरे धीरे भेड़ पालने स्टार्ट की, बकरी पालने स्टार्ट की। और कुत्ते को सबसे पहले क्यों पाला होगा, उसने भेड़ और बकरी को क्यों नहीं पाला, कुत्ते को शिकार करने के लिए पाला था। किस लिए, पहले आप अभी तक अपने देखा कि कोई भी फसल की जो अपने खाते हैं, खाद्यान्न फसल की कोई भी शुरुआत नहीं हुई थी, कोई भी अपने मिली नहीं थी खाद्यान्न फसल। वैज्ञानिक जो भी मनुष्य था उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, वो शिकार करके अपना पेट भरता था। और शिकार करने के लिए उसको कुत्ते
कुत्ते को पालना जरूरी समझा और उसने कुत्ता पालन स्टार्ट किया। देखिए सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। कौन था? कुत्ता। और कब पालना स्टार्ट किया? 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको कोष्टक में बीसी, हिंदी में इसको इंग्लिश में बीसी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भेड़ पालन की। इसके बाद में पुराने लोगों ने भेड़ पालन स्टार्ट किया। भेड़ पालन कब स्टार्ट किया? 1700 ईसा पूर्व। फिर किया बकरी पालन। इसके 1000 साल बाद में क्या किया? बकरी पालन स्टार्ट किया 1700 बीसी और बकरी पालन 67 बीसी। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बोलूं, सॉरी 1700 और 1700 है। देखिए मैं बोल रहा हूं कि एक साल बाद में, परंतु ये तो पहले का दिखा रहा है। बीसी जो सन होता है वो उल्टा चलता है, यानी कि ये एक साल पहले हुआ, 1000 साल ये बाद में हुआ, ये इससे इतने साल पहले हुआ, ये पहले के चल रहे हैं डाटा, ये उल्टा चलता है। पहले क्या है, मान लो उल्टा चलेगा, जीरो आएगा, फिर सही ईसा पूर्व सॉरी ईस्वी चलेगी। ईस्वी होती है वो सही चलती है और ईसा पूर्व होता है वो उल्टा चलता था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बकरी पालन कर दिया और इसके बाद में गेहूं व जौ की खेती करनी स्टार्ट कर दी। गेहूं व जौ की खेती, देखिए गेहूं व जौ की खेती कब करने स्टार्ट की थी? 7500 ईसा पूर्व में की थी, 7500 बीसी में। इसके बाद में उन्होंने क्या किया? गाय पालन स्टार्ट की। देखिए लिखते हैं, गाय पालन कब स्टार्ट की? 6000 ईसा पूर्व में की। बीसी में गाय पालन के बाद में धीरे धीरे फसलों की खेती होना स्टार्ट हुई। पहले मक्का की खेती, फिर आलू की खेती और फिर चना सरसों कपास की खेती स्टार्ट हुई। देखिए इसके बाद में मक्का की खेती फिर आलू की खेती के बाद में सरसों, चना व कपास की खेती। कब स्टार्ट हुई इनके सन लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है मक्का की खेती 4400 बीसी में स्टार्ट हुई, 4400 बीसी में स्टार्ट की। इसके बाद में आलू की खेती है वो 3500 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। सरसों, चना व कपास की खेती है वो 3200 ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गई, यानी कि 300 साल बाद में क्या हुआ, इनकी खेती हो गई। इसी के साथ साथ इसके बाद में क्या हुआ, हल का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हुआ, यहां लिख देता हूं मैं, हल का आविष्कार। देखिए हल का आविष्कार कब हुआ था? 2900 ईसा पूर्व में हुआ था, 2900 ईसा पूर्व में। इसके बाद में अपने यदि बात करते हैं कि सिंचित कृषि शुरू, यानी कि कृषि में पहले असिंचित बराने खेती होती थी, इसके बाद में क्या हुआ कि नहरों से पानी लगने लगा और सिंचित ट्यूबवेल वगैरह का आविष्कार हुआ। वो कब हुआ? 2900 सिंचित कृषि का भी क्या हुआ, 2900 बीसी में स्टार्ट हुआ, 2900 बीसी में स्टार्ट हुआ। इसके जस्ट बाद में क्या हुआ, सिंचित कृषि के बाद में रेशम कीट पालन स्टार्ट किया। देखिए रेशम कीट का पालन है वो इसके 200 साल बाद में स्टार्ट किया गया और 2700
बीसी में इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद में भैंस पालन स्टार्ट किया, भैंस को 2200 ईस्वी ईसा में पालन स्टार्ट किया गया, भैंस पालन कब स्टार्ट किया गया 2200 बीसी में भैंस का पालन स्टार्ट किया। भैंस के पालन के बाद धान की खेती और गन्ने की खेती होने लगी। धान की खेती जिस साल में भैंस पालन स्टार्ट किया था गया उसी साल में क्या हुआ, धान की खेती करनी स्टार्ट की, कब 2200 बीसी में। और इसके बाद किसकी खेती हुई, गन्ने की खेती 1500 ईसा पूर्व में, गन्ने की खेती 1500 बीसी में गन्ने की खेती स्टार्ट की। उसके बाद में क्या हुआ, 16वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा क्या हुआ कि अधिकांश खेती लगभग फसलों को, जैसे जो भी फसलें बच गई उन अधिकांश फसलों को भारत में लाया, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यहाँ लिख देते हैं अपने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए आयरलैंड का अकाल, आयरलैंड का अकाल, देखिए आयरलैंड एक यूरोप में एक जगह है, ठीक है। आयरलैंड कहां है, यूरोप में। आयरलैंड का जो अकाल पड़ा था वो आलू की एक डिजीज के कारण पड़ा, आलू की पछेती झुलसा रोग। क्या हुआ, जब 1845 ईस्वी में, कम ईस्वी बता रहा हूं, 1845 ईस्वी, 1845 ईस्वी में क्या हुआ, आलू में पछेती झुलसा रोग से ग्रस्त हो गई। आलू की जितनी भी फसल थी वो पछेती झुलसा रोग से ग्रसित हो गई। अब जो कहां हुई थी, यूरोप में, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आयरलैंड में पड़ा। और जो आयरलैंड की 40% जनसंख्या है वो आलू से अपना जीवन यापन करती थी, आलू से अपना पेट भरती थी। कितनी जनसंख्या, 40% जनसंख्या का, जनसंख्या आलू से जीवन यापन करती थी। और जो ये यूरोप में पछेती झुलसा रोग हुआ, इसका सबसे ज्यादा आयरलैंड पर प्रभाव पड़ा। और इस प्रभाव के कारण क्या हुआ, 40% जो अपना पेट आलू खाकर भरते थे उनका पेट भरना मुश्किल हो गया, और भूख के कारण बहुत सारे लोग मारे गए इस अकाल के कारण। इसके कारण 1,000,000 से अधिक लोगों ने स्थान छोड़ दिया, वह 1,000,000 से अधिक लोग मर गए भूख के कारण। क्या हुआ, मर गए। और वहां की जो टोटल जनसंख्या थी वहां की 20-25% जनसंख्या शेष रही थी, वहां की 20-25% जनसंख्या क्या हुआ था, शेष रही थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी तो आलू की फसल में अपने ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, और यदि आपकी जानकारी के लिए बताया जाए कि आलू की पछेती झुलसा रोग होती है, आलू की पछेती झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट ब्लाइट, कभी हिंदी में इस प्रकार से लिखा भी आ सकता है, ये कवक के कारण होती है। किसके कारण होती है, कवक, कौन सा, फाइटोपथोरा, आलू का कवक जनित रोग है। और उस समय की पिक्चर यदि अपने गूगल पर देखें तो बहुत पुरानी पिक्चर है, और भूख से लाखों लोगों की, 1,000,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, और 1,000,000 के लगभग लोग क्या हो गए, देश छोड़ के चले गए थे। और इसके साथ साथ ये फाइटोपथोरा नामक कवक के कारण होता है।
और इसमें 40% जनसंख्या यूरोप की क्या है, यूरोप की नहीं सॉरी आयरलैंड की, यूरोप के अंदर एक कंट्री है आयरलैंड जिसका नाम है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी और इस कारण काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी लोगों ने अपना देश छोड़ दिया था। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में अपने अगले पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और लिख लेते हैं इसमें, सोलहवीं शताब्दी में अधिकतर फसलों को पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था, यानी कि मोस्ट ऑफ फसलें हैं वो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने क्या किया, भारत में ले आए। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अपने पढ़ा था प्राचीन कृषि का इतिहास, अब पढ़ेंगे अपने आधुनिक कृषि का इतिहास, जो अभी चली आ रही है आधुनिक कृषि उसका इतिहास के बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने करते हैं जो मौसम होता है, जब बादल बने हैं, वर्षा कब आएगी, अपने एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं किसान कॉल सेंटर पे, और वो हमें बताता है कि हाँ भाई साहब आपके एरिया में वर्षा होने वाली है, आपके एरिया में आंधी आने वाली है, सतर्क रहिए। कभी कभी मैसेज भी आते हो देखे होंगे आपने कि किसान भाइयों को सूचित किया जाता है आगामी मौसम खराब है, इस वजह से अपना जो भी तामझाम है वो सही कर लें। तो वो कहाँ से होता है, वो क्या होता है कि मौसम विज्ञान विभाग की लेबोरेटरीज होती है और वो अपने सारा डाटा चेक करके और अपने को अपडेट करते हैं कि मौसम की ये संभावनाएं बताई जा रही है और इस हिसाब से अपना अरेंजमेंट करके रखें। तो उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD कहाँ पर स्थित है, ये सुपरवाइजर 2021 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर है, देखिए ये है पुणे। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में, 1875 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद में यदि अपने बात करें कि मेट्रोलॉजी से यानी कि मौसम विज्ञान से कुछ और भी संबंधित इंस्टीट्यूट है उनकी बात करते हैं, तो एक होता है भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग IAMD। देखिए यहां लिखते हैं भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, इसकी बात करते हैं IAMD, इसकी यदि बात करें तो ये कहां पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है और उसकी स्थापना हुई थी 1932 में स्थापना हुई थी और दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके बाद की यदि बात करें तो एक और इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान विभाग, विश्व मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना है। अब मौसम विज्ञान से हटके यदि अपने WMO को पढ़ते हैं तो याद रख सकते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य विभाग, ये भी कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यानी कि विश्व से संबंधित दो संस्थान पढ़े अपने WMO और WHO, ये दोनों कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए अब अपने कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज की यदि अपने बात करें सॉरी विश्व का नहीं भारत का वेटरनरी कॉलेज, भारत का
प्रथम वेटरनरी कॉलेज। देखिए भारत का जो प्रथम वेटरनरी कॉलेज है वो लाहौर पंजाब में खोला गया था। कहाँ? लाहौर पंजाब में खोला गया था। और कब खोला गया था? 1832 ईस्वी में खोला गया था, ठीक है, 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में लाहौर में खोला गया था। अब एक अकाल पड़ा था, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अकाल, उसका नाम था छपनिया अकाल। छपनिया अकाल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पड़ा था वो 1956 सन में, ये किस में है? सन 1956 में पड़ा था। यदि अपने बात करें ईस्वी की, ये तो है विक्रम संवत, और सन की बात करें तो 1899 या 1900 में, ठीक है, इसमें ये अकाल पड़ा था। ये विक्रम संवत है, सॉरी सन ये नीचे वाले हैं और ये क्या है? विक्रम संवत, विक्रम संवत, ठीक है। अब ये 56 में पड़ा था इसलिए इसको छप्पनिया अकाल बोलते हैं। ये किस कारण पड़ा था? वर्षा, राजस्थान में क्या हुआ कि वर्षा नहीं हुई थी और इस कारण ये अकाल पड़ा था। किस कारण पड़ा? राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण अनाज नहीं उपलब्ध होने के कारण लोग पेड़ों की छाल पीसकर खाने लगे। क्या हुआ? ये अकाल पड़ा और इस अकाल का पड़ने का कारण वर्षा नहीं होना था, और वर्षा नहीं हुई तो अनाज उपलब्ध नहीं हुआ और लोग क्या हुआ, पेड़ों की छाल पीसकर खाने लगे। अब आता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRO, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 1900 में। स्थापना कब हुई थी? 1900 में, और ये है कहाँ पे? देहरादून में, देहरादून में है और इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। इसके बाद में प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना। देखिए जो फर्स्ट सिंचाई आयोग है वो 1901 में हुई, और द्वितीय सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी 1969 में। सिंचाई आयोग की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके बाद भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना, भारतीय कृषि बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। इसके बाद बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी अच्छी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको बताता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि IAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी कहानी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, IARI, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च
वर्तमान में यदि इसकी स्थिति की बात करें कि वर्तमान में ये कहां पर स्थित है, तो वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और यदि अपने बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करते हैं सबसे पहले, IARI की स्थापना, देखिए स्थापना हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना हुई। और कहां हुई? दरभंगा, दरभंगा बिहार में, गंडक नदी, नदी का नाम है गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे इसकी 1905 में दरभंगा बिहार में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने, नहीं सॉरी वैज्ञानिकों ने 1911 में नाम परिवर्तन, पहले इसका यह नाम नहीं हुआ करता था, यह नाम तो बाद में दिया गया। इसका नाम क्या किया? इंडियन इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नाम क्या किया यहां? इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर मेरे जैसे कुछ वैज्ञानिक और आए और उन्होंने 1919 में फिर से नाम परिवर्तन कर दिया, 1919 में फिर से नाम परिवर्तन। और अब इसका नाम क्या रख दिया गया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या किया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम कर दिया गया। कब? 1919 में। फिर क्या हुआ डियर स्टूडेंट, वहां की किस्मत खराब थी, 1934 में भूकंप के कारण भवन क्या हो गया? टूट गया। एक भूकंप आया और इस कारण भवन क्या हो गया? टूट गया। और 7 नवंबर 1936 को उसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 7 नवंबर 1936 को दिल्ली में स्थानांतरित, दिल्ली में क्या कर दिया इसको? स्थानांतरित, ट्रांसफर कर दिया गया। और आजादी के बाद में फिर से इसका नाम परिवर्तन कर दिया। क्या किया आजादी के बाद में? इंपीरियल जो है इसके स्थान पर इंडियन कर दिया गया। आजादी के बाद इंपीरियल के स्थान पर इंडियन नाम कर दिए गए, यानी कि इसका नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब हुआ? 1948, यानी कि आजादी के टाइम में हुआ। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफी, थोड़ी सी चीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ICAR का जिक्र पढ़ते हैं। प्रथम जो कपास की कमेटी है, यहां से लिख लेते हैं, प्रथम भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी, भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी ICCC, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी की स्थापना 1926 में हुई। कब हुई? 1926 में। और इसके बाद में क्या हुआ? रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना 1926 में भी हुई थी, सॉरी 1921 में ये स्थापना हुई थी, जो कपास कमेटी की है वो 1921 में स्थापना हुई थी। इसके बाद में बात आती है ICAR की, इसकी जो एक वीडियो बनी हुई है, कंप्लीट ICAR की स्टडी करवाई हुई है,
और वो देख सकते हैं। और इसका दूसरा पार्ट ICAR की प्लस और भी जो एग्रीकल्चर से संबंधित इनोवेशन है उनकी वीडियो अगली क्लास में बनाएंगे, जो सेकंड पार्ट रहेगा इसी का ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको पसंद आई है, हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको कोई डाउट है उसे कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।